पे ऐसा राज़ okay. लेकिन मुझे सबसे पहले बता दूं मैंगो चाहिए। सबसे पहले मैंगो आपका। मैंगो देंगे तो बताऊंगी राज। हाँ ठीक है डन हो गया। मैंगो आपका। पहले मैंगो लेकिन पहले राज। पहले पहले राज। मतलब एक आदमी इतनी मेहनत से हमने बाथरूम की बात हो रही थी शावर लगाया ढूंढ ढूंढ के जिसमें तेज पानी आए एक आदमी बाल्टी से नहाता है जैसे मैं तो मतलब पानी बचाने के लिए बाल्टी से कवर अप किया है। बता चुका हूँ इसलिए मैं डर नहीं रहा बता सकता हूँ निधर आप सोते हुए खराटे लेती है मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ उस खराटों का लेवल क्या है नॉर्मल दूसरी चीज तो मैं बताऊंगा ना सॉरी ऐसे नहीं हो सकता ये राज टू है तुम बोलोगे दूसरा कुछ मिलेगा मुझे खराटों का लेवल नहीं नहीं लगे पहले राज से खराटे लिखती है कितने ऊंची ये तो सेकंड चीज दो नहीं वैसे नहीं होगा अगली चीज ने ऐसे ने मेरे साथ क्या ज्यादती की अब थोड़ी बहुत लेती हूँ थोड़ी आती होगी आवाज मैंने रिकॉर्ड किया और पीछे डबिंग कर दी अपनी और मैं यकीन नहीं करी अल्लाह ये मुझे खराटे ले रही और मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ शायद नाक बंद होगी या क्या मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि इतना मर्दाना खराटे कैसे आ सके और फिर बाद में यासिर ने खुद उगल दिया अगले दिन गर्म पानी रात को इलाज होता ना खराटे का इलाज स्टीम ले ले गर्म पानी के लिए नेक्स्ट राज लाइन जी अब क्या चाहिए आपको आपको चाहिए क्रीम चाहिए कंडेंस मिल्क चाहिए कंडेंस मिल्क चाहिए लेकिन ये मिलेगा एक राज के बाद अच्छा यासिर जो है इतनी तेज खाना खाता है कैसे लगता है उसके पीछे कोई ट्रेन है उसको किसी ने कहा मतलब हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं हमें शुरू करती हूँ टिश्यू पेपर खोलती हूँ नैपकिन रखती हूँ एक बंदा टिश्यू पेपर उठाता है हाथ साफ करने के मैं कम खाता हूँ असल में जी नहीं इसको लगता है कि मैं तेज खाता हूँ खाता हूँ अपने हाथ से डांट खा चुका है ऊपर इस बात के ऊपर मार खाई डांट मार खाई है मैं क्यों खा रहा अच्छा मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मैं अपना स्लो खाऊंगा मैं एक बाइट लेके अच्छा मेरी अम्मी बहुत स्लो खाती है ठीक है और मेरी पता नहीं किस पे आदत गई है तो मैं खाता हूँ लेकिन दूसरा नवा मेरा हाथ होता है पहले से ठीक है अच्छा तेज तेज खाना ठीक है जनाब ये कंडेंस मिल्क आपका हुआ और एक चीज वापस करें ना मुझे यार मुझे क्या करना है आप ही खाते हैं बॉडी बिल्डर सही है अच्छा जी आगे बढ़े और कंडेंस मिल्क भी दे देना आपको आप राज हां मैंगो ऐसे थोड़ी दे दो राज हां दो ना मुझे कंडेंस मिल्क वापस ले रहा हूं और कंडेंस मिल्क चाहिए बिस्किट चाहिए पहले क्या चाहिए कंडेंस मिल्क बिस्किट दे दो पहले आपने राज कब बताया बता दिया हमने सेटिंग हो गई राज खत्म नहीं नहीं कोई सेटिंग अब राज बनानी नहीं है देखो मैं अच्छा राज कर रहे हैं हां यार घर भी जाना है मसला ये रास बता दे बताया ना हां ये की बताया है तो 100-150 मेरे पास ये बता बता मुझे क्या 2000 ही जा रहा हूं आ गया रास भाई एक मर्तबा निदा सो रही थी और मैं टीवी देख रहा था इसने बोला आवाज कम करो ठीक है आवाज कम करो मैंने वॉल्यूम कम कर दिया 15-18 बजे आया कम करो कम किया अच्छा पहले आपस की लड़ाई हो चुकी थी हमारी मूड ऑफ था यानी उस दिन मूड जरा ऑफ मूड ऑफ था हम दोनों का शाम में हो चुकी थी मैं 10-12 बजे आया मुझे शो देखना मेरी पानी की स्टील की बॉटल है ना वो उठी है निदा और वो स्टील की बॉटल उठा के टीवी मार दी स्क्रीन पे और टीवी तोड़ दिया यार एक मतलब आप बताएं रात टीवी तोड़ दिया क्रैक ब्लू लाइनें आ रही है रेड बगैर ये क्या है रात नहीं थी वो सुबह के 4 बज रहे थे एक इंसान सारे वक्त से उठा होता है उसक बालात छोटा था मदर फीड पे था कुछ टाइम मिलता है सोने के लिए तो क्या करे इंसान जब सोता नहीं है तो यही होता है ना कमाल है उसका रिएक्शन क्या था मुझे रिएक्शन जानना मैं सकते में था भाई रिएक्शन क्या मैं सकते में था नहीं मैंने कहा नया टीवी स्मार्ट टीवी पारे उसके बाद यासिर ने फिर टीवी नहीं देखा आवाज कम करो तक बंद मैं आवाज नहीं सुननी मुझे अच्छा बेगमों को पता होता है कि इस वक्त हमारी सुनी जाएगी तो दे दो भाई बहुत बड़ा रास्ता है इसमें 3-4 बनते हैं ठीक है नहीं वो बेगमों को मालूम होता है लेवल के यहां पे हम कर सकते हैं यहां पे नहीं कर सकते ठीक है जी नेक्स्ट आप क्या चाहिए नेक्स्ट बिस्किट चाहिए बिस्किट बिस्किट चाहिए ठीक है जी अब रात बताना ना बिस्किट चली पे देगा वापस रात अच्छा हाँ किसी को नहीं यकीन आएगा ये कि मतलब यासिर को देख के लगता है एक रोब वाली पर्सनालिटी और ना मतलब एक माचो ना वो तो रोब वाली है वैसे ऊंचाई से डरते हैं मैं नहीं बैठूंगा हॉट एयर बलून में मैंने कहा टिकट खरीद लिया क्या कह रहे हो नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा मुझे लगता है ना मुझे नीचे नहीं बैठूंगा मैं छलांग लगा दूंगा मुझे लगता है मैं छलांग ना लगा दूंगा मैं नहीं जा रहा मैं कह गए मैं नहीं जा रहा जहाज में बैठना पड़ेगा मैंने कहा 12 घंटे का रोड का रास्ता हां मुझे वो बर्दाश्त है एक घंटा लगेगा प्लेन में नहीं यार तुम बहुत इधर से उधर डोमेस्टिक एयरलाइन में ट्रैवल करते हो मैं पहले डरता आप जो जहाज लंबी फ्लाइट है ना और जहाज में अगर टर्बुलेंस आ जाए वो मेरा अल्लाह होता है आईटी होती है बस मैं पहली दफा जब मैंने ये मैंने कहा अल्लाह इतना जरा है ना जरा ऐसा कि उसके पीछे मैं चुप जाऊं मुझे डर लगे तो बंदा ऊंचाई से डर रहा है जाइए ये तो दो बिस्किट डब्बे देने चाहिए मुझे नहीं मैं सीरियस लगता मैं छलांग मार दूंगा जहाज़ वाला
मॉर्निंग शो में कौन गेस्ट आता कौन नहीं आता मैं बोलता हूँ उसमें, मैं इसको कास्ट करूँ ना करूँ मेरी मर्जी, यासिर मैंने कह दिया है इसको कास्ट नहीं करोगे। कह दिया तो कह दिया बस। मैं तुम्हारे कहने से क्या फर्क पड़ता है, मैं करूँगा कास्ट। बैठो रिलैक्स, यासिर उसको कास्ट नहीं करोगे, मैं तुम बोलती रहूँ बोलती यार वहां से आइए, मेरा लैपटॉप उठाया बाद वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, दिल सुकून नहीं मिला उसको। अबे हमें लगत बना दिया उन्होंने, ब्यूटी कॉन्शियस आदमी इतने ज्यादा नहीं होते, मगर यासिर को जिंदगी में एक डर है, भले मोटा हो जाए भले दाने निकले कुछ, अल्लाह मियां कभी मैं गंजा ना हूं, मैं बहुत बुरा लगता है। दुआएं करता है ये बाल उम्र पे जाके दुआएं कर, अल्लाह मियां बस मैं भी गंजा नहीं करना। अल्लाह मियां मैं तो मैं अच्छा ये उम्र पे जाके सेकंड ईयर में था, तो मेरा सेकंड ईयर में मेरा दोस्त मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसको टाइफाइड हुआ ना उसको, वो ठीक हो गया उसके बाद उसने बुलाया मैं गंजा होने जा रहा हूँ, तू भी चले बाल बड़े अच्छे आते हैं, मैं चल मैं भी चलता हूँ, ये गंजा हो रहा है मैं भी हो जाता हूँ क्या, इसमें इतना बुरा लगा हूँ मैं गंजा होने के बाद, मैं पछताता रहा मैंने क्या कर दिया।